ऑफ द नायलॉन। ठीक है, नायलॉन आपका जो है मतलब पॉलीअमाइड पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर है ये सब। ठीक है, तो इसमें आप लोग नायलॉन 610 की किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका एक लाइव वीडियो देखेंगे। ठीक है, इतना हम लोग को नॉलेज के लिए काफी है। और इनकी रिएक्शंस देखेंगे, इनके मोनोमर्स भी मतलब मैंने बता दिए हैं, जैसे इसका नायलॉन 6 का है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन, आपका नायलॉन 10 का 610 का है सिबेक्सिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन, इसका कैप्रोलैक्टम, इसका 5-अमीनोवैलिक एसिड, और नायलॉन 2 नायलॉन 6 ग्लाइसिन प्लस आपका 6-अमीनोहेक्सामाइड एसिड। ठीक है, तो इनके जो नाम रखे गए हैं वो इनके कार्बन कंटेनिंग यूनिट्स के बेसिस पर रखे गए, जैसे इसमें भी 6 कार्बन होंगे और इसमें भी 6 कार्बन होंगे। 610 में इसमें 10 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, कैप्रोलैक्टम में 6 कार्बन है आपके। ठीक है, 5-अमीनो नायलॉन 5 में 5 कार्बन है, इसमें नायलॉन 2 में इसमें 2 कार्बन है और इसमें 6 कार्बन है। ठीक है, तो इनके बेसिस पर इन सबके नाम रखे गए। तो नायलॉन जो है आप लोग जानते हैं कपड़ा मतलब बनता है और रोप्स वगैरह मतलब बनाने में ये सब यूज होते हैं फैब्रिक्स, तो उनमें तो ये आपका नायलॉन 6 है, इसको हमने आइडिफिक एसिड इसका पार्टनर होता है और हेक्सा मिथिलीन डायमीन से बनाया है। ठीक है, इसमें ये आपका पॉलीअमाइड लिंकेज है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स निकले हैं कंडेंसेशन पॉलीमर बनाया आपका। ठीक है, तो ये आपका नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से 610 का हम आगे डिस्कस करते हैं। Thank you.
तो ये आपका नायलॉन 610 की रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हेक्सामिथिलीन डायमीन सिबेसिक एसिड के साथ कंडेंसेशन पॉलीमर जो है पॉलीएमाइड बनाती है नायलॉन 610। तो ये नायलॉन 6 की प्रिपरेशन हमने शो करी है परलॉन एल की। तो इसमें हम लोग साइक्लोहेक्सेन को ले लेते हैं रिएक्टेंट के रूप में, उसका ऑक्सीडेशन करके साइक्लोहेक्सेनॉन बनाया और उसकी आपने आगे फिर रिएक्शन कराकर हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ NH2OH जो आपका हाइड्रोक्सिलेमीन है उसके साथ आपने साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन बनाया। उसके बाद उसमें बेक्समैन रीअरेंजमेंट हुई, ठीक है। बेक्समैन रीअरेंजमेंट पूरी एक रिएक्शन मैकेनिज्म है और जो है उससे आपका जो है ईटा या कैप्रोलैक्टम बन गया, ईटा कैप्रोलैक्टम। तो ये जो कैप्रोलैक्टम है इसमें काउंटिंग दिखाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नाइट्रोजन रिंग के अंदर, 7 मेंबर रिंग कंपाउंड है और वो कार्बन आप अल्फा दूसरे को कहते हैं, तीसरे को बीटा, चौथे को गामा, पांचवे को डेल्टा, उसका बीटा। और इससे आपका 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड बना और उसने पॉलीमराइज होकर नायलॉन 6 बना दिया। तो ये आपके नायलॉन 5 की हमने मैन्युफैक्चरिंग दिखाई है, रिएक्शंस बताई है। इसमें नायलॉन 5 साइक्लोहेक्सेन और हाइड्रोक्सिलेमीन से आपका साइक्लोपेंटेनॉन ऑक्साइन बनता है, ठीक है। उससे वेलरोलैक्टम बनता है और उसमें वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो आपका गामा एमिनो वैलरिक एसिड बनता है और उससे फिर पॉलीमराइजेशन करके नायलॉन 5 बनता है। 2, 6 ये नायलॉन 2 नायलॉन 6 की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। इसमें हम ग्लाइसिन यूज करते हैं और 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड के पॉलीमराइजेशन बन जाता है। बाकी जितने नायलॉन्स थे वो बायोडिग्रेडेबल नहीं थे, ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो इसको बायोलॉजिकली रिसाइकलिंग इसकी आसानी से हो सकती है, ठीक है। नायलॉन जो वर्ड है इसमें NY वर्ड जो है वो न्यूयॉर्क से लिया गया है, ठीक है, और LOL लंदन। नायलॉन की जो मैन्युफैक्चरिंग एक ही टाइम में दो कंट्रीज में हुई थी, न्यूयॉर्क USA में, न्यूयॉर्क में और आपका ब्रिटेन में किंगडम में, इसलिए दोनों वर्ड्स को मिलाकर हमने इसको कंबाइनली नायलॉन बनाया, ठीक है। तो नायलॉन आपका एक पॉलीएमाइड मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसके बारे में आपने केमिकली काफी कुछ पढ़ लिया जो IIT के लिए सफिशियंट है। सो नायलॉन जो है थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है। वीडियो वहीं स्टॉप कर अपना आंसर बताइए फिर चेक कीजिएगा। तो इसमें आपका पॉलीएमाइड लिंक किया जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपने देखा था स्ट्रक्चर्स में माइड, ठीक है ना। तो आप वीडियो को स्टॉप करके आंसर अपना बताइए, ठीक है। तो दैट इज योर सी ऑप्शन नायलॉन। नायलॉन में 66 में आपके एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन आपके जो है पॉलीएमाइड लिंकेज बनाते हैं, सीओ एनएस लिंकेज, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन होगा, ये केरला मेडिकल में आया था 2013 में क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा, ए बी सी डी। वीडियो स्टॉप करके तो नायलॉन 6 में आपका जो 6 कार्बन वाला ही कंपाउंड होगा, ठीक है सर, 1 और 5 6, ठीक है। सी इज योर करेक्ट आंसर, जिन्होंने बी लगा दिया वो थोड़ी सी मिस्टेक होगी उनसे, ठीक है। एक ही यूनिट होगा, ठीक है, कैप्रोलैक्टम से ही बनता है आपका।